एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम के नेतृत्व में शनिवार की देर शाम नगर क्षेत्र में एंटी चेयर्स ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान खुले में शराब पीने वाले 368 लोगों के खिलाफ संबंधित थानों में 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इस संबंध में एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम ने बताया कि नगर क्षेत्र में ऑपरेशन एंटी चेयर्स अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है और यह कार्रवाई अब लगातार चलती रहेगी। खुले में शराब पीने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर किसी दुकानदार की संलिप्तता पाई गई या उसके दुकान पर शराब पीते हुए कोई व्यक्ति मिलता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम ने कहा, कप्तान साहब के निर्देशानुसार पूरे नगर क्षेत्र में खुले में शराब पीने वालों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जाता है। इसी क्रम में शनिवार की शाम को 7 से 9 चेकिंग चलाई गई। इसमें नगर क्षेत्र में कुल 368 लोगों को खुले में शराब पीते हुए पाया गया। उनको थाने पर लाया गया, वहाँ पर उनकी काउंसलिंग की गई है और साथ ही उनके ऊपर 34 पुलिस एक्ट की कार्रवाई भी की गई है। भविष्य में भी इस तरह से कार्रवाई होती रहेगी और लोगों को निर्देश भी दिया गया है कि दोबारा इस तरह की चीज़ों में संलिप्त ना हो। सर, उन दुकानदारों के खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाएगा? नहीं, जहां पे दुकानदारों की गलती अगर पाई जाएगी वहीं पे उन पर कार्रवाई होगी। ये दुकान के बाहर पी रहे थे, दुकान की परिधि के बाहर पी रहे थे जो लोग पकड़े गए थे। मगर अगर किसी के द्वारा भी अगर दुकान में अवैध तरीके से बैठा के अगर शराब पिलाई जा रही होगी जिस चीज़ का उनके पास अधिकार ना हो, तो उस पर संबंधित आबकारी अधिकारी को लिख के उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।